नमस्कार, मैं दीपांशु गुप्ता, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 64। इस वक्त की बड़ी खबर अलवर से है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में अलवर दौसा भरतपुर करौली के साथ हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेत्र रोगियों के ऑपरेशन कर चिकित्सालय द्वारा उन्हें रोशनी दी जा रही है। वर्ष 2021 से 2022 में एक माह मौसमी बीमारियों के कारण नेत्र ऑपरेशन नहीं होने के बावजूद 4000 के करीब मरीजों के नेत्र ऑपरेशन किए गए हैं। चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय में पूरे वर्ष 12 महीने आंखों के ऑपरेशन किए जाते हैं। चिकित्सालय में अलवर के अलावा दौसा, करौली, भरतपुर व हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक के नेत्र रोगी ऑपरेशन की करवाते हैं। वर्ष 2021 से 2022 में कोरोना व मौसमी बीमारियों के कारण 3 माह आँखों के ऑपरेशन नहीं किए गए, उसके बावजूद भी 3900 मरीजों के आँखों के ऑपरेशन के लिए किए गए, जिनमें मोतियाबिंद, काला पानी सहित अन्य आँखों के ऑपरेशन किए जाते हैं और सभी तरह की आँखों के ऑपरेशन पूर्णतया निःशुल्क किए जाते हैं। सामान्य चिकित्सालय के नेत्र विभाग में अलवर जिले के अलावा दौसा, करौली, भरतपुर और इवन हरियाणा के 4-5 जिले आते हैं जहाँ से पेशेंट्स आते हैं और कुछ हिस्सा यूपी, मथुरा, आगरा और एमपी से भी पेशेंट्स आते हैं और ये पेशेंट्स यहाँ से ऑपरेशन करा के और संतुष्ट होकर जाते हैं। इसी के कारण सामान्य चिकित्सालय में ऑपरेशंस की बहुतायत रहती है और ये ऑपरेशंस 12 महीने होते हैं। पिछले वर्ष 21-22 में 3 महीने से ज़्यादा समय ऑपरेशंस बंद रहे थे, 2 महीने कोविड की वजह से, 1 महीना मौसम बारी व डेंगू की वजह से बंद किया गया था, तो 3 महीने से ज़्यादा समय बंद रहा है। उसके बावजूद भी 3900 के करीब ऑपरेशंस किए गए हैं और जो कि सभी सक्सेस रहे हैं और इस वर्ष ऑपरेशंस बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इस बार कोविड का प्रकोप लगभग, इसमें सबसे ज़्यादा तो मोतियाबिंद के ऑपरेशंस होते हैं, बाकी काला पानी, नकबूना, पलकबंदी, एंट्रोपियन, क्रॉनिक डक्टर सिस्टाइटिस, ये सभी तरह के ऑपरेशन जो जनरली होते हैं वो किए जाते हैं। और सामान्य पद्धति के अलावा जो SICS के ऑपरेशन किए जाते हैं उसके अलावा फैको विथ फोल्डेबल लेंसेज भी लगाए जाते हैं और सारी प्रक्रियाएं, सारे ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं, मरीज का एक भी पैसा खर्च नहीं होता है।